अचानक ही नदी में बहती हुई एक चुड़िया पर पड़ती है। मेरी मदद करो, मुझे पानी में से निकालो। बाहर का मौसम आने वाला था, इसीलिए रानी चुड़िया अपना नया घर बनाने में लगी हुई थी। और फिर एक बहुत बड़ा सा पेड़ रानी चुड़िया को अपना घर बनाने के लिए पसंद आ जाता है। कुछ देर की मेहनत के बाद रानी चुड़िया अपना एक प्यारा सा घोंसला बनाने में कामयाब हो जाती है। मैं घर बनाते बनाते बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत प्यास भी लगी है। मैं जाकर पास वाली नदी से पानी पी आती हूँ। फिर रानी चुड़िया उड़ते उड़ते नदी पर पहुँच जाती है। रानी चुड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि इसकी नज़र अचानक ही नदी में बहती हुई एक चुड़िया पर पड़ती है। मेरी मदद करो, मुझे पानी में से निकालो। रानी चुड़िया उस बहती हुई चुड़िया को नदी में से निकाल लेती है। चिड़िया बहन, आप कौन है और आप कैसे इस पानी में गिर गई? मगर चिड़िया बहुत डरी हुई थी, वो रानी को बिना कोई जवाब दिए वहाँ से उड़ जाती है। रानी चिड़िया के इस रवैये पर बहुत हैरान हो जाती है। ये चिड़िया कितनी घमंडी थी, मैंने इसकी जान बचाई, इसने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, मेरा फर्ज मदद करना था जो मैंने की। इसके बाद रानी चिड़िया नदी से पानी पीती है। इधर लाली चुड़िया उड़ती उड़ती एक बहुत बड़े पेड़ पर आकर बैठ जाती है। तो करे वो शिकारी झील चली गई, वरना आज तो उसने मुझे खा ही जाना था। और भला हो उस चिड़िया का जिसने मेरी जान बचाई। मगर मैंने तो इस बेचारी चिड़िया का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। अगर मैं वहाँ पर रुकती तो मेरे साथ वो चील उस चिड़िया को भी खा जाता। मैंने वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। फिर यूं ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया दो प्यारे प्यारे से अंडे देती है। काफी दिनों से मैं इन अंडों पर ही बैठी हूँ। मैं अपने लिए कोई भी दाना नहीं ला सकी, क्यों ना आज मैं जाकर अपने लिए कोई दाना ढूंढाऊं। जब रानी दाना लेने निकलती है तो अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मुझे कोई सुरक्षित जगह देखकर कुछ देर वहाँ पर रुकना चाहिए। पास ही एक पेड़ पर एक चील बैठी थी जो कि रानी चिड़िया को देखते ही उसके पीछे लग जाती है। चील को अपने पीछे आता देखकर रानी चिड़िया तेजी से उड़ने लगती है और चील भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते रानी चिड़िया को एक पेड़ पर एक घर नजर आता है। रानी चिड़िया उस घर के पास जाती है। अचानक उस घर में से एक चिड़िया बाहर आती है और वो रानी से कहती है, चिड़िया जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ, मेरा घर बहुत मजबूत है, चील इसे नहीं तोड़ सकती। इसके बाद लाली चिड़िया रानी चिड़िया को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। लाली चिड़िया कोई और चिड़िया नहीं थी, बल्कि ये वो ही थी जिसकी रानी चिड़िया ने जान बचाई थी। अच्छी चिड़िया, तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया था, मगर मैं तुम्हारा शुक्रिया इसीलिए अदा ना कर सकी कि यही चील मेरे पीछे भी लगी हुई थी। अगर मैं वहाँ पर रुकती तो हो सकता था ये हम दोनों को ही खा जाती। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम भी बहुत अच्छी हो, आज तुमने मेरी जान बचाकर अपने एहसान का बदला चुका दिया है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर वो दुष्ट चील भी आ जाती है। कोई बात नहीं छोटी चिड़ियों, आज तो तुम मेरे हाथ से बच गई, मगर मैं तुम्हें एक ना एक दिन अपना शिकार बना कर ही रहूंगी। इतना कहकर वो चील वहाँ से चली जाती है। उस चील के जाते ही दोनों की जान में जान आ जाती है। देखो अच्छी चिड़िया, मेरा नाम लाली है और आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। और तुम्हारा नाम क्या है? लाली, मेरा नाम रानी है और मैंने इस जंगल में नया नया घर बनाया है, आज से हम दोनों की दोस्ती पक्की है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं तो आप कमेंट कर जरूर बताएं।